जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हुए हैं कन्या राशि वार्षिक राशिफल 2022 का। 2022 में कन्या राशि वालों के लिए क्या अच्छा रहने वाला है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों का जो चाल है, ग्रहों की जो अवस्था है, कौन ग्रह कहाँ विराजमान रहेंगे, किस राशि में चलेंगे, वो जान लेते हैं। उसके बाद विस्तार से आपको बताएंगे। चैनल को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ उपाय ऐसे बताएंगे जो 12 महीनों में आपको अच्छी तरीके से सफलता मिलेगी और आप रंग से राजा बन सकते हैं। 13 अप्रैल को मीन राशि में गुरु प्रवेश हो जाएंगे, 30 जुलाई को गुरु बकरी हो जाएंगे और 24 नंबर गुरु मार्गी हो जाएंगे। ये गुरु का हो गया। अब शनि की स्थिति जो रहेगी, 30 अप्रैल शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 6 जून को बकरी हो जाएंगे और 24 सितंबर को जो है मार्गी हो जाएंगे। राहु जो है 13 अप्रैल से मेष राशि में भ्रमण करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। ऐसे व्यक्ति के 2022 जो है युवराज, यानी कि ऐसे व्यक्ति कला कौशल के कारक बहुत दिमाग का तेज होने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका ओवर कॉन्फिडेंस और एक अंदर का अहंकार इनको ले डूबता है। तो 2022 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आपको 2022 में हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका जो है उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहेगा। हेल्थ में आपका कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं रहेगा। तब भी अप्रैल से लेकर सितंबर तक माह में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, उसके बाद आपका ठीक रहेगा। धन की बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कुटुंब और दोस्त और साझेदारी जिससे आप व्यापार करते हैं उसमें आपका पूर्ण सपोर्ट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन आप जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करेंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जहां आप झूठ बोलेंगे उसमें आपको दिक्कत आ सकती है 2022 में कन्या राशि वालों के लिए। पराक्रमेश की बात करें तो ऐसा व्यक्ति स्पष्टता के साथ मेहनत करेगा, पराक्रम से सपोर्ट करेगा मिलेगा आपको, और आप बिल्कुल अपने फल की चिंता ना करें, जल्दीबाजी कोई काम में ना करें। 2022 में आपको जितने भी काम करने सावधानी से करने प्यार से करने, आपके सारे काम बनेंगे, कोई भी इसमें अशुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। शनि का कुंभ राशि में जाना आपके लिए बहुत अच्छा योगकारी होता है, और उसके बाद बकरी की जो स्थिति है वो भी मैं बताऊंगा आपको उसका फल क्या मिलेगा। लेकिन गाड़ी और मकान की बात करता हूँ। सर्वप्रथम गाड़ी का जो आपका एक योग की बात करें, आप चाह रहे थे गाड़ी के लिए, तो गाड़ी का आपका आगमन होगा, वो गाड़ी आप अपने नाम से लेंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। घर की यदि बात करता हूँ तो घर के योग बनेंगे पर घर की तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। जो जिस तरह का मकान खोज रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं 2020-21 से बना रहे हैं, वो आपकी नहीं हो पा रही हैं। मैं आशा करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि आपके लिए मकान का योग भी आपका बनेगा और गाड़ी घोड़ा मकान दोनों आपके हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने नाम से जो है गाड़ी ले सकते हैं, मकान ना लें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा की यदि बात करते हैं तो शिक्षा में जो है शनि मकर में रहेंगे, उसके बाद कुंभ में चले जाएंगे, तो शिक्षा के लिए टेक्निकल के जो चीज़ें हैं, जो आईटी के बंदे हैं या जो आईटी परीक्षा देना चाहते हैं, कोई डिफेंस सरकार के लिए काम करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें आपका बहुत अच्छा अनुदान, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है जिससे आप उसमें सफल हो जाएंगे। यदि किसी को आप चाहते हैं तो उसको बड़े प्यार के साथ रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, तभी जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, सच्चाई के साथ यदि कोई चीज़ें आप जोड़ के चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हेल्थ की और शत्रुओं की बात करता हूँ, शत्रुओं की स्वास्थ्य की बात करता हूँ, तो स्वास्थ्य भी जो है आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शत्रु जो है आपके कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, पीछे से आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको कुछ आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ विवाह और क्या कहते हैं विदेश यात्रा की, तो विवाह के जो आपके योग बनेंगे वो आपके पूर्व दिशा से बनेंगे 22 में, वो पूर्व दिशा से जो आपका योग बनेगा वो बहुत बढ़िया योग बनेगा, वो किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से आपका शादी संपन्न होगा, उस शादी से आपका भाग्योदय भी होगा। विदेश की बात करता हूँ तो जिन यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है, जिस आप उस विषय में जाएंगे विदेश बातचीत करेंगे या जो आपको धन आने वाला है, तो भी कहीं ना कहीं किसी स्त्री के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, राहु आपके वृषभ में रहेंगे अभी, उसके बाद फिर 13 अप्रैल से मेष में चले जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में राहु आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है, जैसे भ्रमित कर सकता है, पेट संबंधित कोई परेशानी दे सकता है, इससे आपको थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान देना है और आपके मन के साथ चलना, किसी की बात आपको नहीं माननी है।
करियर और हेल्थ की बात करते हैं 2022 में कन्या राशि वालों के लिए, तो करियर आपका बहुत मजबूत रहेगा, आप कर्मनिष्ठ भी रह सकते हैं, उस कर्म का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन आपको अपने कर्म को बड़े सावधानी से समझ के चलना है, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना है और जल्दी आपको कोई काम में इमोशनल नहीं होना है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए आपका सोचते हैं, संतान का जो योग बनेगा 13 अप्रैल के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपको संतान का योग बनेगा और आपको संतान निश्चय ही पुत्र होगा। दूसरा, आपके लिए 12 महीने के अनुसार बताना चाहता हूँ मैं, तो जनवरी माह में आप जो है घर की कोई ऐसी यात्रा करेंगे, घर के लिए कहीं जाएंगे तीर्थ यात्रा में, घर में रिश्तेदारों के साथ आपका अचानक से योग बनेगा। फरवरी माह में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा और फरवरी के अलावा मार्च के महीने में आप जो है अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ कोई भी शुभ समाचार मांगलिक कार्य का भी आपका योग बन सकता है। अप्रैल माह में जो है आप किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। मई के महीने में आप कोई गाड़ी लेने का योग बन सकता है। जून के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित इन्वेस्ट, लेन देन या खरीदना या बेचना का भी आपका काम कर सकते हैं। और जून के महीने में आप जो है किसी काम को लेकर चिंतित होकर बाहर जाएंगे, वो काम आपका पूरा होगा। जुलाई में आप नया बिजनेस का कोई स्टार्टिंग कर सकते हैं, सेटअप साझेदारी का या जो कह सकते हैं पार्टनरशिप में, उसको आपको लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में आप जो है अपने व्यापार को अपने ही भांति शुरू कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने अन्य गांवों के सामने। सितंबर महीने में आप जो है किसी यात्रा में कोई आपको कहता है तो ना जाएं, सितंबर महीने में पूरा अपना घर में बिताएं। और अक्टूबर के बाद अक्टूबर महीने में आप जो है जो भी काम करें उसमें आपको पूरी सफलता दिखाई दे रही है। नवंबर में आप जो है किसी का कर्जा लिए थे वो वापस करेंगे। दिसंबर महीने में कुछ आपका जो इन्वेस्टमेंट था, कोई लेन देन का था, वो आपको उसका बेनिफिट आपको कमीशन वगैरह जो है मिलेगा। दूसरा, आपके लिए हेल्थ में दिक्कत रहती है तो आपको हेल्थ के साथ अपने व्यापार, अपने हेल्थ के लिए विशेष ध्यान देना है। जन्म नक्षत्र जो आपका होता है, जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन नक्षत्र का दान करना है, उसके करने से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। जैसे उसमें कोई वस्त्र है, अन्न है, स्वर्ण है, जो भी है, आपको नक्षत्र दिखवाकर उसका पूर्णतः संकल्प से दान करना है तो आप सदा हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका व्यापार मन लगेगा और मन आपका स्थिर रहेगा। शनि जब आपके जीवन में जन्म में बकरी हैं और शनि जब बकरी होंगे आपके 6 जून को, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके जन्म के समय बकरी होंगे, तो यदि मार्गी हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें विलम्ब से कोई काम होगा, कन्फ्यूज हो सकते हैं, उनको लाभ आपको ना मिले, आप पॉजिटिव ना रहें। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी, सकारात्मक पहले चलेगी, नकारात्मक पीछे रहेंगी, लेकिन आपको उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ सारे चीज़ों को आगे टारगेट करते चले जाना है। दूसरा, आप किस देवता की पूजा करें, किस इष्ट की पूजा करें, आपके लिए भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, उनको इष्ट बनाना है, उनसे आपका भाग्योदय भी होगा, एक अच्छा योग बनेगा। दूसरा, आपके लिए थोड़ा सा दुर्घटना का भी योग इसमें दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा गाड़ी वगैरह जो आप चलाएंगे, जैसे कि आपका बकरी के समय, जैसे कि आप जो है 30 अप्रैल से जो है जो गाड़ी का ध्यान देना है आपको, थोड़ा बड़े प्यार से चलानी है, उसी कंडीशन में आप जल्दी कोई इस तरह का डिसीजन ना लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। बाकी आपको विस्तार से जो जानकारी मैंने दी है उसके अनुसार भी कुछ चीज़ें होती जो बताना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ नहीं हो पाता, नहीं बता पाते हैं दर्शकों, अपना ध्यान रखेंगे। और जो भी आपके लिए कुछ पूछना है तो हमारे संस्थान के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको बताएँगे। 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप बहुत आगे बढ़ें, तसल्ली से आगे बढ़ें और हमारी संस्था आपके साथ है, जो भी आपको प्रश्न करना है आपको बताएंगे। अपना ध्यान रखें, जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।